अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड रिजल्ट 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित हो चुका है। तो चलिए पहले हम आपके सामने डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट भी रख देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यूपी डीएलएड 2019 सेकेंड सेमेस्टर रिजल्ट एग्जामिनेशन नवंबर 2020। तो दोस्तों, ये आपके सामने रहा रिजल्ट। तो इसको डाउनलोड कैसे करना है मोबाइल फोन में, इसका हम पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और दोस्तों, ये भी बताएंगे कि डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर परसेंटेज कैसे निकालें। जी हाँ दोस्तों, आप ये नंबर तो पा चुके हैं, लेकिन इसका परसेंटेज कैसे निकालना उसको बताएंगे। कैसे आप चेक करेंगे आप पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, और फेल छात्रों के साथ क्या होगा उसको देखेंगे। मोबाइल में रिजल्ट डाउनलोड करने का पूरा तरीका हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले पूरा तरीका देख लेते हैं कि आपको अपने मोबाइल फोन में आपको अपना रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आपको अपना रिजल्ट मोबाइल फोन या लैपटॉप में कैसे डाउनलोड करना है, आइए पूरा प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको सर्च क्या करना है, वेबसाइट का नाम DELEDRESULT.com। तो दोस्तों, जैसे आप इंटर करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी, डीएलएड रिजल्ट 2021 यहाँ पर देखिए लिखा है, इसको ओपन करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर रिजल्ट 2021, इसके आगे डाउनलोड लिखा है, इस पर हमें क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है यूपी डीएलएड, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर रिजल्ट, यहाँ से डाउनलोड करें। क्लिक हियर पर हमें क्लिक कर देना है सिंपली। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे आपने क्लिक किया यहाँ पर सब कुछ बता दिया कि कुल बच्चे 172,000 थे, कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए, सम्मिलित बच्चे, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अब दोस्तों हमें यहाँ पर क्लिक हियर करना है रिजल्ट को हमें डाउनलोड करने के लिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर डीएलएड 2019 बैच सेकंड सेमेस्टर का लिंक दिया गया है। अगर आप 17 बैच के छात्र हैं, सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो दूसरा लिंक है आपके लिए। 18 बैच के छात्रों के लिए तीसरा लिंक है, और 18 के साथ दोस्तों इसमें 15 बैच के छात्र होंगे तो भी दोस्तों आपका तीसरा मतलब लिंक से काम हो जाएगा। तो अगर आप डीएलएड 2019 बैच के छात्र हैं तो दोस्तों आपको पहले वाले लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक हियर पर दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर फिल करना होगा। तो चलिए हम आपको एक रिजल्ट डाउनलोड करके दिखाते हैं। तो एक बच्चे का दोस्तों रोल नंबर है 2021421, ठीक है, 2678। तो डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों इसकी, जरा देख एक ही और आपको बता दें। देखिए, जब आप यहाँ पर इंटर डेट ऑफ बर्थ कर रहे होंगे तो वाई 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 का मतलब होता है दोस्तों आपको ईयर पहले मेंशन करना है कि कौन सा साल चल रहा है। फिर एमएम का मतलब है मंथ, फिर लास्ट में डीडी का मतलब है डेट। तो सबसे पहले दोस्तों इस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है उसको हम यहाँ पर फिल करते हैं। ठीक है, अच्छी बात क्या है दोस्तों, इस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भाई देखिए महीना और डेट सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि सर्च पर हमें क्लिक कर देना है। तो बस रिजल्ट दोस्तों देखिए डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर रोल नंबर शो करेगा, नेम शो करेगा, फादर्स नेम, डिस्ट्रिक्ट, ये सब। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आपके सामने रिजल्ट आ चुका है। तो सारे सब्जेक्ट के दोस्तों रिजल्ट है, मतलब नंबर नंबर दिए गए। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ एक्सटर्नल नंबर, एक तरफ इंटरनल। ये दोस्तों जो आपका स्टार्टिंग में एक्सटर्नल इंटरनल दे रखा है इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, ये लास्ट वाला दोस्तों हमें सिर्फ देखना है। तो एक्सटर्नल में दोस्तों ये जो नंबर आपके सामने शो कर रहा है ये नंबर है, ठीक है। तो इतने नंबर दोस्तों मतलब जो इनको GPF के माध्यम से मिला होगा, और ये इंटरनल नंबर मतलब जो कॉलेज से इनको प्राप्त हुआ है। तो ये नंबर है दोस्तों कॉलेज वाला, और एक तरफ इनका था, ठीक है। तो देखिए, अब आपको परसेंटेज कैसे निकालनी है उसको भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको अपना रिजल्ट डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस समझ में आ चुका होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, पहले हम आपको बताते हैं कि आपको अपना परसेंटेज कैसे निकालना है। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि आपको अपना परसेंटेज कैसे निकालना है। तो देखिए, लास्ट का दो आपका जो एक्सटर्नल और इंटरनल दिख रहा है आपको बस इसको देखना है, ठीक है ना। तो बाकी दोस्तों ये सब जो चीज़ दे रखा है इसको आपको नहीं देखना है, ये दो चीज़ों को इधर वाले, ये दोस्तों लास्ट में दो चीज़ों को देखना है आपको। एक्सटर्नल में नंबर देखिए 132 है, इसको जोड़ते हुए चलिएगा दोस्तों, हम कैलकुलेटर में जोड़ रहे हैं, आप लोग भी जल्दी जोड़िएगा। 32 प्लस 31 हो गया, प्लस का दोस्तों हमारा 16 हो गया, फिर प्लस का दोस्तों हमारा 22 हो गया, फिर प्लस का दोस्तों हमारा 40 हो गया, फिर प्लस का दोस्तों हमारा 14 हो गया, फिर प्लस का दोस्तों हमारा 17 हो गया, ठीक है, जो ये नंबर आ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट में हम 99 को भी जोड़ देंगे, तो जितने भी दोस्तों आ रहे होंगे यहाँ पर हमारा 271 आ रहा है। उसके बाद दोस्तों इसको हम टोटल जोड़ते हैं, ठीक है, जो इधर दे रखा है। तो पहले हम जोड़ेंगे दोस्तों 48 हो गया, ठीक है, इसको आपको हाईलाइट करते चल रहे हैं। फिर दोस्तों हमारा हो गया 49, ठीक है, फिर दोस्तों हो गया हमारा 24, फिर हो गया हमारा 23, फिर दोस्तों हो गया हमारा 49, फिर हो गया हमारा 24,
फिर दोस्तों हो गया हमारा 23, फिर हो गया हमारा 49, फिर हो गया 48, और लास्ट में दोस्तों हो गया हमारा, ठीक है, 98। ठीक है, इसको दोस्तों जोड़ लेंगे, जो भी दोस्तों हमारा आएगा इधर आ रहा 435। तो अब दोस्तों दोनों को हम जोड़ लेंगे, जरा इसको जोड़ते हैं, इसके नीचे 271 कर देते हैं, तो कितना आ गया, 5 1 6 7 3 10 हो गया, 4 2 6 7 हो गया। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताया था कि आपका जो भी नंबर टोटल जोड़ने पर आए उसमें क्या कर देना, आपको 8 से भाग कर देना है, 706/8 आप कर देंगे, ठीक है, जो भी दोस्तों आपका आएगा वही आपकी परसेंटेज बन जाएगा। तो भाग करने पर दोस्तों यहाँ पर आएगा 88.25, ये दोस्तों यहाँ का परसेंटेज हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आप इस तरीके से आप अपना परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर से आपको बता देते हैं क्या प्रोसेस है। देखिए दोस्तों, जो आपका रिजल्ट डाउनलोड होगा लास्ट में आपका लिखा होगा एक्सटर्नल नंबर इंटरनल नंबर, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेंड लिखा है, तो इसको दोस्तों टोटल को जो एक एक है ना सबको हमने क्या कर लिया, टोटल को जोड़ लिया, इधर का टोटल जोड़ने पर हमारा 271 आ रहा था, फिर दोस्तों इधर का टोटल जोड़ लेंगे 48 49 24 करके ये सब, इसको जोड़ने पर हमारा 435 आया था, तो 435 और 271 को हमने दोस्तों इसको दोनों को जोड़ा तो 706 आ गया। जितना भी दोस्तों आपको टोटल जोड़ने पर आया उसको आप क्या करेंगे, 8 से भाग कर देंगे, वही आपका परसेंटेज होगा, ठीक है। या फिलहाल दोस्तों इस रिजल्ट का जो परसेंटेज आ रहा है वो 88.25% आ रहा है, तो आप लोग भी अपना जल्दी से परसेंट चेक कर लीजिए। अगर देखिए आपको रिजल्ट डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो गाइस आपको व्हाट्सएप पर आपका रिजल्ट भेज दिया जाएगा, ठीक है, तो आप हमें व्हाट्सएप करिएगा। तो चलिए दोस्तों आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे देते हैं, 8738079216, याद कर लीजिए 8738079216। इस नंबर पर दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप करेंगे तो आपको तुरंत तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप करते समय आपको अपना रोल नंबर भेजना है, उसके साथ साथ दोस्तों आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भेजना है, ठीक है, ये दो चीज़ भेजेंगे तो दोस्तों हम आपको तुरंत आपका रिजल्ट डाउनलोड करके भेज देंगे। एक बात और, आपको रिजल्ट में कैसे पता चलेगा आप पास या फेल, देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर देखिए लास्ट में जब आप रिजल्ट डाउनलोड करेंगे या नीचे देखिए अगर रिजल्ट में पास लिख कर आ रहा है तो दोस्तों इसका मतलब है कि आपकी किसी भी विषय में कोई भी बैक नहीं है, ठीक है। बाकी दोस्तों कुछ और रिजल्ट आए थे जहाँ पर डी लिख के आ रहा था, ग्रेडिंग सिस्टम था, लेकिन यहाँ पर कुछ ग्रेड नहीं दिया गया जिससे आप कन्फ्यूज हो सकते हैं कि पास या फेल। तो फिलहाल के लिए दोस्तों अगर आपका रिजल्ट में नीचे पास लिखा है तो इसका मतलब है कि आप सभी विषयों में पास हो चुके हैं, ठीक है, कोई भी आपकी बैक नहीं है। अब फेल छात्रों का क्या होगा दोस्तों, देखिए उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि पीएनपी की तरफ से कौन सी नई नोटिस आती है जिसमें एक्सप्लेनेशन होगा कि फेल छात्रों को प्रमोट करेंगे या कैसे दोस्तों इनका नियम बनाया जाएगा, तो इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में परसेंटेज निकालना सीख लिया, मोबाइल में आपको रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है उसका तरीका सीख लिया, ठीक है। बाकी दोस्तों हमने नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक दे रखा है, उसके माध्यम से भी आप अपना रिजल्ट तुरंत के तुरंत डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। फिलहाल अगर आप फेल हो रहे हैं तो बिल्कुल अभी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो बच्चे दो विषय में फेल हो रहे हैं, दो सब्जेक्ट में, तो गाइस आपको एक बात बता दी, ये बिल्कुल नॉर्मल है, इतने में डीएलएड के बच्चे फेल होते रहते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर आप बिल्कुल चिंतित मत होइएगा कि यार दो में बैक लग गई है, नींद नहीं आ रही, क्या करें, तो कोई चिंता की बात फिलहाल के लिए अभी नहीं है। चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में, और वीडियो को आपको अधिक से अधिक शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि दोस्तों आपके दोस्त भी अपना रिजल्ट तुरंत से तुरंत डाउनलोड कर पाएँ और उनके मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, रिजल्ट डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे 8738079216। फिर मिलते हैं, गुड नाइट, शुभ रात्रि।